आबिल शम्स, नौफल, मतलब और हाशिम। अब आप ये याद रखना है कि यहाँ से हुआ क्या कि जो काज था, किसी भी चीज़ के पीछे कोई काज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कोई वाकया या कोई इंसिडेंट या रूमा होता है। तो हुआ क्या, अब्दुल शम्स ने बना था मतवली खाने का पता, लेकिन उन्होंने रेप कर दिया हाशिम के हक में, ठीक है। अब हुआ क्या, मैं पहले जरा बता दूँ कि अब्दुल शम्स का उमैया है, हरब है, फिर अब्दुल सुफियान है, फिर अमीर मादिया है, फिर यजीद आ गया, ठीक है। तो उसके बाद इधर अब्दुल हाशिम से आए, तो हाशिम के बाद शेबा, अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है, दादा जान थे, फिर हज़रत अब्दुल्ला, सॉरी हज़रत अब्दुल्ला, ठीक है, वालदे ग्रामी हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, फिर हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आ जाते हैं, फिर उसके बाद मौला अली, ठीक है, जो चचेरा भाई भी थे और दामाद भी थे, और फिर मौला इमाम हुसैन आ जाते हैं। अब हुआ क्या, कैटेगरी क्या बनी, कैटेगरी इस तरह हुई कि जब अब्दुल शम्स ने रेप कर दिया तो हाशिम के, डेफिनेटली जब हाशिम इनके पास आ गई मतलब तो फिर इनके पास इधर चल रही थी, डेफिनेटली यही सुन रहा था ना कि जब एक बंदे ने खुद अपनी रजा कराना कि सास से कोई चीज़ आपको दे दिया तो डेफिनेटली फिर उनके खाना में आगे चलना चाहते हैं, खाना तो वही था सिर्फ, लेकिन फैमिली को थी। तो हुआ क्या कि उमैया ने जो ये मतवलियत थी ये चैलेंज की, ये चैलेंज कर दी, जिस पर तब की दारा ये तब के जो पंचायत तो जिरगा वगैरह जो भी होता था उस समय के अंदर उमैया को जिला वतन कर दिया गया, 10 साल के लिए जिला वतन किया और 700 ऊंट जुर्माने के तौर पर किए गए। ये भाई याद रखें, क्वेश्चन से आता है कि उमैया ने जब चैलेंज किया तो उसको कितनी पनिश देने की सजा दी गई, तो उसने और कितने ऊंट जुर्माने हुए, 700 ऊंट का जुर्माना किया गया उस वक्त। फिर क्या हुआ, वही हुआ हरब आ गए, हरब ने भी यही सेम आदत अपनाई, उसने भी चैलेंज कर दिया, सेम पनिशमेंट, ये वाली चीज भी इसको करनी पड़ी, फेस इसको भी वही कुछ करना पड़ा। फिर हुआ क्या, फिर हजरत अब्दुल्ला थे, ठीक है, फिर उनके दौर में फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में अबू सुफियान आया, ये सबको पता है, पता मक्का बाद में इस्लाम कबूल हुआ और सारे मामला क्योंकि आम माफी का ऐलान कर देते ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है, तो फिर ये आ गए। अब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे से फैसला कि मैंने मौला अली लिख दिया तो ये तो फिर उधर से आना चाहिए, चाचा की तरफ से आना चाहिए। असल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे पैदाइश के साथ ही थोड़ा से बात पता फरमा आ गए, क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन है उन तमाम के लिए और आजकल के दौर के फितनों के लिए भी बेटा, कि अगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया था कि मेरे पास कोई नबी नहीं आएगा, मैं मौर नबूत हूँ, खातम नबीयीन हूँ, मेरे पास कोई नबी नहीं आएगा, तो हुआ क्या कि आपको नोट किया होगा कि हम जितने भी अंबिया किराम की बात करते हैं उनके बेटे में से कोई ना कोई नबी जरूर हुआ है, तो जब नबियों के सरदार हैं तो डेफिनेटली इनके बेटों में से आगे नबी नहीं था, लेकिन क्योंकि आप आखिरी नबी थे तो अब आगे से फिर अगर बेटे होते उनको नबुव्वत नहीं मिलती तब को ऐसे इन लोगों ने करने थे, तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा सेटअप बनाया कि उनको अपने पास बुला लिया सिर्फ इस चीज को बताने के लिए कि मेरे महबूब के बाद कोई भी नबी नहीं आएगा, ये मोहर नबूवत है, ये खातम नबीयीन है। तो फिर मौला अली, अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग हुई अबू सुफयान के साथ, अबू सुफयान खत्म कर दिया उधर इस्लाम कबूल कर गया, ठीक है, फिर ये भी बड़ा क्वेश्चन है कि अबू सुफयान ने कब इस्लाम कबूल किया था, ठीक है, याद रखिए फतह मक्का के वक्त जब आम माफी का ऐलान करते थे ना, ये भी कहा था कि जो अबू सुफयान के दीवार घर की दीवार पे हाथ पे रख दे उसके लिए आम माफी का ऐलान है, सलामती है, ठीक है। तो फिर आगे आ गया अमीर मुआविया, अमीर मुआविया की जंग है मौला अली के साथ, बड़ी दफा पकड़ा, ठीक है, मौला अली ने इन्हें हर जगह पे वापस भेजा। फिर उसके बाद हम सबके सरदार और जिनके कदमों के सदके हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और जिनकी वजह से हमें, मैं कहता हूँ, रिस्क मिल रहा है हमें, और इवन के इस्लाम का अगर नाम जिंदा है या 1,24,000 पैगंबरों की मेहनत जो थी इस्लाम के लिए अगर वो अभी तक जिंदा है तो वो मौला हुसैन की वजह से, करबला के वाक्य की वजह से, तो इस्लाम असल जिंदा ही तब था, ठीक है। तो मौला इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले, ठीक है, यहाँ पे वाक्य करबला, वाक्य करबला याद रखेंगे 61 हिजरी, ये याद रखना आपने,
और 680 एडी, ये आपने याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये लाजमी पूछा जाता है, ठीक है। मोराली को इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में रखा क्योंकि आप एक चचाजद भाई भी थे और दामाद भी थे, हजरत फातिमा आपके निकाह में थी। और याद रखे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताता चलूं, आपको पता है कि मोराली और हजरत फातिमा का रिश्ता किसने डिसाइड किया? जैसे होता है ना हमारे यहाँ मुंबई में कि वो रिश्ता कराने वाले आते हैं कि हमने फलां का फलां रिश्ता कर दिया या वो खानदान में आपस में कर लेते हैं। हजरत फातिमा महबूब के घर की बेटी, मोराली खाना खाबा में पैदाए, हम तो कह सकते हैं रब के घर में से आए। इनके रिश्ते का फैसला अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, ऊपर से आया फैसला, जिब्राइल अलैहिस्सलाम फैसला लेके आए और फरमाया या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आपकी बेटी हजरत फातिमा का रिश्ता हजरत अली के साथ तय कर दिया। कमाल का जोड़ा है कि पर्दे के हिसाब से बेनजीर, शुजात के हिसाब से बेनजीर, यानी कि कपल कैसा बन रहा है, ठीक है, जिनकी वजह से फिर इस्लाम जिंदा हुआ और सारे मामला हुए। याद रखा एक और जन्म वाली पर्सनल प्लेस में मैं क्रॉस कर रहा हूँ कि बाकी का फिर इंशाल्लाह फिर सांसों में बाकी को इंशाल्लाह दोबारा करेंगे कि वहद एक शख्सियत, एक शख्सियत इस दुनिया इस कायनात में है जो दुनिया जितनी कायनात जितनी जिंदगी पीछे सबकी उनको गुजर गई है, जो आने वाली है क्यामत तक। आप याद रखिएगा कि ओनली एंड ओनली ये क्वेश्चन भी जनरल हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ हजरत फातिमा तो जहरा जो हमारी नेक माँ, उनकी रूह डायरेक्ट अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत के साथ कबज की, इतनी पर्दगी यानी कि इतना पर्दा था कि जब इज़राइल अलैहिस्सलाम बाहर रूह कबज करने आए हैं तो दरवाजे की दस्तक दी जा रही है और कहा कि मैं वाहिद हूँ जो कभी किसी से पूछ के नहीं गया, ये दस्तक दे के नहीं गया यहाँ पर, लेकिन इजाजत नहीं है। तो फातिमा ने कहा कि फिर कलाम हुआ कि यादा फातिमा के किरदार और उनके करेक्टर पर कोई किसी किस्म की क्वेश्चन मार्क है, जिनके कोई सवाल ही निशान है, आज तक किसी गैर घर ने मुझे देखा तक नहीं है, आपका तो बात थोड़ा सा पाई आ जाए तो चांद सूरज साइड पर चले जाते हैं, इतनी लेवल का पर्दा था। तो फिर इसराइल को वापस बुला दिया गया, वापस गया, फिर अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत फातिमा ज़हरा की रूह कब्ज़ की, रूह परवाज़ हुई। ये याद रखें कि क़यामत तक और जो पीछे गुजर गया सारा मामला सिर्फ और सिर्फ ओनली वन पर्सनैलिटी, सिर्फ वो है हमारी नेक माँ जिनकी रूह अल्लाह ताला ने दस्ते कुदरत से कब्ज़ की थी, ठीक है जी। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रस्ते पर चलने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारा हमें नासिर।